हस्ब आदत आगाज़ सुखन में एक रिवायत मजलिस की नौरानियत में इजाफ़े के लिए पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हज़रत फरमाते हैं मन सल्ला अलैया मर्रतन, जो बंदा मुझ मोहम्मद पे एक मर्तबा दुरूद भेजे जअलल्लाहु लहू यौमल क़ियामत अला रासी नूरा, अल्लाह बरोज़ क़ियामत उसके सर पे एक नूर का ताज सजाएगा। उसके सर पे अल्लाह नूर का ताज सजाएगा। वह अला यमीन ही नूरा, उसके दाएं जानब भी एक नूर होगा। वह अला शिमाल ही नूरा, उसकी बाएं तरफ भी एक नूर होगा। वह मिन फौक ही नूरा, और उसके ऊपर भी एक नूर होगा। वह मिन तहत ही नूरा, उसके कदमों से भी नूर की शुआएं निकल रही होंगी। वअला जमीए आवाही नूरा, उसके सारे के सारे जिस्मानी आज़ा से नूर टपक रहा होगा। जो बंदा मुहम्मद पे और उनकी आल पे एक मर्तबा क्या भेजेगा, तो ज़हमत करें और एक मोहब्बत भरी सलावत भेज दें। सिलसिले गुफ्तगू इस नुक्ते पे पहुंचा था कि मारिफत इमाम की क्या कद्र मंजिलत है, और कल इस ज़मन में एक रिवायत को अधूरा छोड़ दिया था और उसका एक हिस्सा मुकम्मल करके मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँगा। आपकी तवज्जो का तलबगार हूँ और पिछले सबक को फ़कत एक सतर में दोहरा के, ताकि रिवायत से आपकी आशनाई हो जाए कि कौन सी रिवायत में पढ़ रहा था। शायद कुछ लोग नए हों जिन्हें वो रिवायत न सुनी हो। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मारिफतु आले मुहम्मद बराअतुम मिनन्नार, आले मुहम्मद की मारिफत आतिश जहन्नम से नजात का टिकट है। इस पे गुफ्तगू कर चुका हूँ। वहुब्बु आले मुहम्मद जवाज़ुन अलस्सिरात, और आले मुहम्मद की मोहब्बत पुले सिरात से गुज़रने का पासपोर्ट है। इस पे भी गुफ्तगू कर चुका हूँ। और तीसरा नुक्ता जिसको कल बयान नहीं किया था, तीसरा टुकड़ा रिवायत का और हदीस का, उसी को ले के आगे चल रहा हूँ। पैगंबर अकरम ने तीसरे जुमले में मेराज कर दी और ये इरशाद फरमाया वल विलायतु अमानु मिनल अज़ाब, मेरे भाई अली की विलायत इकाब और अजाब से अमान का मूजिब बनती है। मेरे भाई अमीरुल मोमिनीन की विलायत अज़ाब से अमान का मूजिब बनती है। अगर कोई इंसान उखरवी अज़ाब से नजात चाहता है, अगर कोई इंसान अज़ाब कब्र से बचना चाहता है, अगर कोई इंसान आतिश जहन्नम से बचना चाहता है, तो वो दर दर की ठोकरें न खाए, बाब मदीनतुल इल्म की चौखट पे अपनी जबी को झुका के अली हैदर कर्रार का सच्चा और हकीकी मुहिब बन जाए। ये अली का बनता जाएगा, अली की शफाअत का हकदार होता चला जाएगा। अमीरुल मोमिनीन की विलायत अमान का मूजिब बनती है।
अब यहाँ पे इस नुक्ते को भी वाज़े करना ज़रूरी समझता हूँ कि बहुत सारी रिवायात को मोमिनीन अपने मतलब के लिए खींच लेते हैं, लिहाजा जब तक उसकी वजाहत न की जाए, जब तक अहले बैत अलैहिस्सलाम की उस रिवायत के साथ दीगर रिवायात को न जोड़ा जाए, तब तक वो रिवायत समझ नहीं आती है। इसी तरीके से कुरान भी ऐसे है, चूँकि कुरान और अहले बैत में जुदाई नहीं है, मैं आगे चल के शायद बयान करूँगा अगर वक्त के दामन में गुंजाइश हुई तो, कि इन दोनों में जुदाई नहीं है। क्या रिश्ता है अमीरुल मोमिनीन का, उनके औलाद अतहार का और कुरान मजीद का? तो बस समझने की बात यह है कि जो भी रिवायत आपके सामने आए या जो भी आयत आपके सामने आए, उस एक आयत को या रिवायत को पढ़ के आप दीन मुबीन का कोई मसला भी अख्ज नहीं कर सकते हैं जब तक उस मौजू के मुतालिक सारी की सारी रिवायात को एक जमा पे एक जगह पे जमा न किया जाए, सारी आयात को एक जगह पे जमा न किया जाए, फिर रिजल्ट निकालने के लिए इंसानी जहन आमादा हो सकता है। वगरना एक रिवायत या एक आयत को लेंगे तो मुमकिन है कि जाहिरी नज़र में दूसरी कोई रिवायत या आयत उसके टक्कर जा रही हो। उन दोनों को मिला के जब आप पढ़ेंगे तो आप नतीजा देने में कामयाब हो जाएंगे। इसकी मैं चंद मिसालें आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ अगर आप इजाज़त दें, ताकि आपको ये कुरानी मसला समझ आएगा कि कुरान मजीद को पढ़ने और मुताला करने का क्या तरीका कार है। जो जो आमादे हैं वो ज़रा बोला अंदावा से सलवात भेज दें। कुरान मजीद की एक आयत को पढ़ते हैं जिसमें अल्लाह ने यह कहा कि अल्लाह यतवफ़ल अनफुस, कि रूहें कौन कब्ज़ करता है? अल्लाह की ज़ात रूह को कब्ज़ करती है, अल्लाह की ज़ात मौत देती है, अल्लाह की ज़ात किसी को दारे फना से दारे बका की तरफ मुंतकिल करती है। जब एक दूसरी आयत पढ़ते हैं तो उस आयत में ये नज़र आता है कि ततवफ़ल मलाइका, मलाइका रूह कब्ज़ करते हैं। अब ज़ाहरी तौर पे आप जब आप इन दोनों आयतों को देखते हैं तो भाई एक जगह पे अल्लाह कह रहा है कि मैं रूह को कब्ज़ करता हूँ, मैं जान लेता हूँ, दूसरी जगह पे वही अल्लाह कह रहा है कि कौन करता है। तो अगर आप एक को आयत को पकड़ लेंगे तो दूसरी आयत को छोड़ देंगे तो नतीजा सही नहीं निकाल सकेंगे। सही नतीजा कब निकलेगा? जब आप दोनों आयात को एक ही टेबल के ऊपर रख के बगौर मुतालआ करेंगे तो पता चलेगा कि जो आयत कह रही है कि अल्लाह रूह को कब्ज करता है, इससे मतलब यह है कि रूह कब्ज करने का असल इख्तियार अल्लाह के पास है, और जो आयत कह रही है कि मलाइका कब्ज करते हैं, ये उनका जात इख्तियार नहीं है, अल्लाह की तरफ से अता करदा है। बस इस तरीके से दोनों आयतों में किसी किस्म का कोई टकराव नहीं होगा। इसीलिए इस तरीके से कुरान मजीद को पढ़ने की जरूरत है, रिवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम को भी इसी अंदाज में पढ़ने की जरूरत है। यूं नहीं है कि अगर मैंने एक रिवायत पढ़ ली है कि अल विलायत अमानुम मिनल अज़ाब, कि विलायत अमीरुल मोमिनीन अमान से अज़ाब से नजात का मूजिब बनती है और परवाने नजात है, तो बस मोमिनीन मजलिस में नारे लगा के खुश हो जाए और चले जाए कि हमारे पास तो विलायत जैसा गौहर मौजूद है, लिहाजा नजात का परवाना मिल गया। एक दूसरे मकाम पे इमाम बाकिर ही ने फरमाया, ला तनालु विलायतुना इल्ला बित्तक्वा वल वरा, हमारी विलायत को कोई पा नहीं सकता, हमारी विलायत को कोई छू नहीं सकता, मगर जब तक वो अपने आप को तकवा और परहेजगारी के जेवर से आरास्ता न कर ले।
हाँ जी, लिहाजा इसमें तो कोई शक नहीं है कि विलायत अमान का मूजिब बनती है। लेकिन आना जरा मेरे दोस्त, ये तो देख कि विलायत मिलेगी कैसे, कैसे विलायत मिलेगी। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तनालो विलायतुना, हमारी विलायत को तुम पा नहीं सकते, इल्ला बिल वरा व तकवा, और जिसका जितना तकवा का दर्जा बढ़ता चला जाएगा वो उतना ही मौला का क्या बढ़ता चला जाएगा, वली होता जाएगा वो इतना। ये आप लोग अपनी अपनी जुबान में कहते हैं ना, वहां तो बहुत पहुंचा हुआ बंदा है। किसको आप लोग पहुंचा हुआ कहते हैं जी? जो मैं अब वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता मिंबर का, चूंकि तकद्दस भी मलहूज खातिर होता है। हम उसको पहुंचा हुआ कहते हैं कि जिसको वजू का तरीका भी नहीं आता है। हाँ जी, हम उसी को पहुंचा हुआ कहते हैं। और ये जो हमने जाहिरी तौर पे पीरी फकीरी और ये सिस्टम बनाया हुआ है, मैं कहता हूं तुम कोई बंदा भी जिसके मजहब अहले बैत में अमीरुल मोमिनीन जैसा पीर मौजूद हो, उसे दुनिया में किसी आम पीर की तरफ जाने की जरूरत नहीं। भाई बात इसको फकत एक खिताबत के रंग में न लीजिएगा कि मैं तो फलां पीर के पास जाता हूं, मैं तो फलां फकीर के पास जाता हूं। मैं कहूंगा फकीर वो होगा लेकिन पीर फकत अली है। क्यों? ये जो इस नुक्ते को भी उजागर करता चलूं, मैंने पहले कहा था कि इस दफा मुहर्रम क्या होगा, खुश्क होगा। ये बहुत सारे केस आते हैं हमारे पास के मौलाना साहब हमारे घरों में ये मसाइल हैं, कुछ जादू टूना हुआ पड़ा है, ये चेक करवा दें। और फिर भाई मैं कहता हूँ मैं तो कोई रूहानी आमिल नहीं हूँ कि मैंने कराची में या इस्लामाबाद में ऑफिस खोल रखा है। ये मेरा नंबर तो शरी अहकाम के बयान करने के लिए है, कोई अकीदे का मसला पूछना है तो वह मैं बयान कर सकता हूँ। जादू टूने का तो हल मेरे पास नहीं है। हाँ इतना ज़रूर कहता हूँ कि अहले बैत ने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जिनको अगर तू अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर देगा, ये तेरे घर में जादू टूने खुद ख़त्म हो जाएंगे। हाँ जी बता दूं वो क्या है, जो जो आमादा हैं वो जरा सलावात भेज दें। अभी मेरे अजीज बड़ी प्यारी कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे, पता नहीं बैठे हैं या चले गए हैं। उनकी तिलावत के दौरान मुझे एक रिवायत पैगंबर अकरम की याद आई। पैगंबर अकरम ने फरमाया, अलबैतुल्लज़ी युज़करु फीहिल युक़्रा फीहिल कुरआन व युज़करुल्लाहु फीहि, वो घर के जिसमें कुरान मजीद की तिलावत हो और अल्लाह का उसमें जिक्र हो, तकसुरु बरकतुहु, उस घर में अल्लाह की बरकतें बढ़ जाती हैं। जिस घर में कुरान की तिलावत हो, अल्लाह का जिक्र हो, मजलिस सैयद शुहदा का इनेकात हो, मातम व मजलिस हर मुनासिबत के ऊपर होती हो, हदीस किसा पढ़ी जाती हो, यही वो वाहिद नुस्खा है जो तेरे घर से जादू और टूने को ख़त्म कर सकता है। हाँ जी, मैं कुरान मजीद में ना खुद घर की तिलावत करूं, ना अपने बच्चों को अपने घर में तिलावत कुरान मजीद का आदि बनाऊं, और फिर मैं तवक्को करूं कि मेरे घर में अल्लाह की रहमत की बारिश उतरे, मेरे घर में खैर कसीर हो जाए, ये हो नहीं सकता है। जो तिलावत रिवायत कहती है, जो तिलावत जिस घर में होती है, जिक्र खुदा जिस घर में होता है, उस घर में अल्लाह की कसरत से खैर बढ़ जाती है, खैर और बरकतें ज़्यादा हो जाती हैं। और अगला जुमला, व तहज़ुरुल मलाइका, उस घर में मलाइका का नुज़ूल होता है। व तहज़ुरुहु शयातीन, और शयातीन उस घर का रुख नहीं करते हैं। ये जुमला है, ये जादू टूना शैतानी अमल है ना, शैतानी अमल है या नहीं?
बस अगर तू अपने घर में कुरान मजीद की तिलावत को अपना वतीरा बना ले तो पैगंबर इस्लाम तो आज से 1400 साल पहले तुझे ये तावीज़ लिख के दे गए हैं। यही तावीज़ है या नहीं है तावीज़? एक शख्स मेरे पास आया और पूछने लगा कि आगा साहब, माल और रिज़्क में बरकत नहीं होता है, कोई ऐसा अमल बताएं, कमाते भी बहुत ज़्यादा हैं, इतनी मेरी आमदन है, माशाल्लाह अच्छा खाता हूँ, अच्छा कमाता हूँ, लेकिन बरकत नहीं है, कोई ऐसा तावीज़ लिख दें कि घर में बरकत आ जाए, रिज़्क में इजाफा तो है लेकिन बरकत नहीं है। मैंने कहा खुम्स निकालते हो? कहा नहीं, खुम्स नहीं निकालता। मैंने कहा तावीज़ तेरे पास है, खुम्स निकाल, अल्लाह तेरे माल और रिज़्क में बरकत डालेगा। हाँ, अल्लाह तेरे माल और रिज़्क में बरकत डालेगा। वो सुना नहीं है वाक़या आपने शतीता का? हाँ जी, तवीज़ तेरे पास है, मेरे पास ना, तू खुम्स निकाल और फिर देख अल्लाह सुबहानहू व तआला तेरे माल में बरकत कैसे डालता है। ये तो तिजारत है अल्लाह के साथ, ये अल्लाह के साथ तिजारत है। इमाम अमीरुल मोमिनीन ने नहजुल बलागा में ये जुमला इरशाद फरमाया, इदा अमलक तुम, वाकन अजीब फिक्र है, हम पता नहीं इस फिक्र से दूर हैं, इदा अमलक तुम फताजरुल्लाह बिस्सदका, जब तेरे घर में फकरो फाका डेरे डाल ले, उस वक्त सदका दे के अल्लाह के साथ तिजारत कर ले। सदका दे के अल्लाह के साथ तिजारत कर ले। मैंने शायद किसी साल में उस बीबी शतीता का वाकया सुनाया था और आज फिर सुना देता हूँ ताकि खुम्स की बरकत उजागर हो जाए। एक मोहब्बत भरी सलावत भेज दें। बीबी शतीता जिनका मज़ार कहाँ पे है? नेशापुर में है। जब आप इमाम रज़ा अलैहि सलाम की ज़ियारत के लिए जाते हैं, तो नेशापुर के अंदर इस बीबी की कब्र है। इमाम जाफ़र सादिक का ज़माना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम का ज़माना है और खुम्स खुरासान के लोग ने, शपूर के लोगों ने भारी भरकम खुम्स इकट्ठा किया और इमाम की तरफ भेजने का इरादा किया। शतीता को पता चला, शतीता अपने 4 दिरहम और अपने हाथ से बुना हुआ एक रुमाल लेके आई और कहा, ऐ शख्स तू जा तो रहा ही, मेरा भी थोड़ा सा खुम्स लेते जा। कहा ये क्या है तेरा खुम्स? कहा 4 दिरहम और एक हाथ से बुना हुआ रुमाल है। इधर खुम्स इतना बोरियों में ढेर लगा हुआ है, नेशापुर के ताजरों ने जो दिया है। कहा फ़कत 4 दिरहम और एक छोटा सा रुमाल लेके जाऊंगा मौला के पास, मुझे तो शर्म आती है, मैं नहीं लेके जाता। ये कहती है इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक़ शैआ, अल्लाह थोड़े और हक से शर्माता नहीं है, जब मेरा बनता ही इतना है तो मैं तुम्हें डालरों में कहाँ से ला के दूँ, यही मेरा खुम्स बनता है। उसने ले लिया और जो उसके पास बोरी थी ना, थैलियाँ खुम्स की भरी हुई थी पैसों की, उनके नीचे नीचे उसने वो रख दिया कि पहले मालो दौलत भारी भरकम दूंगा। समझ रहा होगा कि शायद लेने वाला मौलाना नासिर है और वो पैसे देख के खुश हो जाएगा। बड़ी बड़ी भारी भरी बोरियाँ जो है वो उसके नीचे नीचे शतीता का खुम्स जो है वो रखा और साथ एक बोरी नेशापुर के उलमा के सवालात थे कि जो इमाम से जवाबात लेने थे, ये ले के चला। जब मदीना में पहुंचा ना तो इमाम जाफ़र सादिक की शहादत हो चुकी थी। अब उस वक़्त तो ऐसा सोशल मीडिया का दौर नहीं था, नहीं पता था कि इनके बाद कौन से इमाम हैं, कौन से इमाम जाफ़र सादिक के बाद में नुमाइंदे हैं, जानशीन हैं, कौन इमाम बरहक हैं। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास बैठे रो रहे हैं, तवस्सुल कर रहे हैं ये कासिद नेशापुर का कि क्या करूँ, अब इतना मालो दौलत भी है, इतनी ज़्यादा अमानतें मोमिनीन ने दी हैं, ये कहाँ किसके हवाले करूँ। जाफ़र सादिक तो दुनिया से रुखसत हो गए,
इसी कश्मकश के आलम में परेशानी में था कि पीछे से एक बंदे ने आके कंधे पे हाथ रखा और कहा, उठ, तुझे हुज्जत खुदा बुला रही है। उठा अपनी जगह से, अपना सामान लिया और इमाम मूसा बिन जाफर की बारगाह में आया। जो ही इमाम अलैहिस्सलाम के सामने बैठा ना, इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, उन बोरियों को खोल जिन में सवालात लिखे हुए हैं, एक एक सवाल को खोलता जा, नीचे जवाब भी लिखा हुआ पाएगा, मूसा बिन जाफर की स्टैंप भी नज़र आएगी। पता नहीं किस माहौल में बैठ के सुन रहे हैं, स्टैंप भी नज़र आएगी। उसने बोरियों को खोला, देखा सवाल भी मौजूद है, जवाब भी मौजूद है, मूसा बिन जाफर की लगी हुई इस्तिफ्ता की और सवाल जवाब की मोहर भी मौजूद है। समझ गया कि जो दिलों के राजों को जानता हो वही हुज्जत खुदा होता है। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली मोहम्मद, आले मोहम्मद, बुलंदतर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखता गया, खुश हो गया कि मैं सही जगह पे पहुंच गया हूं। अभी जब सारे सवालात के जवाबात चेक कर चुका ना, वापस जवाब नामे को उसी थैले के अंदर बंद किया, मूसा बिन जाफर अलैहिस्सलाम की ज़ुबान इस्मत हिली और कहा, ग़ालिबन अली नाम था उसका, कहा, अली बिन मोहम्मद, अब शतीता के 4 दिरहम और रुमाल मुझे दे दे। अल्लाहु अकबर, शतीता के 4 दिरहम और रुमाल मुझे। उसके हैरान हो गए, हैरान हो गया वो कि मैंने तो बताया ही नहीं शतीता के भी कोई 4 दिरहम और रुमाल हैं। बोरी से निकाला, इमाम को दिया और इमाम अलैहिस्सलाम ने बाकी खुम्स को रहने दिया, अपने हाथों पे लिया। इमाम अलैहिस्सलाम ने वसूल किया उस खुम्स को, खुलूस देखिएगा, अगर खुलूस 4 में हो तो कबूल करते हैं, अगर लाखों में खुलूस ना हो अहले बैत रद्द कर देते हैं। बस रुके रहना, तेरी आजादारी में अगर खुलूस हुआ तो 4 भी बैठे हुए कबूल करेंगे, अगर बानी का मतमय नजर मजमा हाजिर करना हुआ, ये खुलूस नहीं है, कबूलियत दूर हो जाएगी। वो खुलूस को देखते हैं, तवज्जो कीजिएगा, खुलूस रखना है अपनी इबादतों में, चाहे तेरी आज़ादारी हो, चाहे तेरा मातम हो, चाहे तेरी मजलिस अज़ा हो, चाहे तेरी नमाज हो, हर चीज़ में खुलूस शर्त है। इसलिए कि खातमुर रसूल ने यह जुमला अरशाद फरमाया और मैं जब भी इस जुमले को पढ़ता और सुनता हूँ रूह कांप जाती है। पैगंबर ने फरमाया, अन्नासु कुल्लुहुम हलका, सारे के सारे लोग हलाकत में हैं। कितने? अन्नासु कुल्लुहुम हलका, सारे के सारे लोग हलाकत में हैं, इल्लल आलिमून, सिवाय आलिम के। वल आलिमून कुल्लुहुम हलका इल्लल आमिलून, और आलिम सारे के सारे हलाकत में हैं मगर वो के जो अपने इल्म पे अमल करते हैं। हाँ जी, वल आमिल, इस तरह नहीं कि आलिम से मुराद वही है कि जो मदरसे में पढ़ता है, जो चीज़ आपने जान ली है आप भी उसके आलिम है। फकत इसमें यूं नहीं समझना कि आज तो मौलवी साहब ने अपनी फील्ड को भी रगड़ा दिया है, नहीं नहीं, जो चीज़ आपने जान ली है आप भी उसके आलिम है। इसलिए फकत हम नहीं है, आप भी हमारे साथ ही शरीक हैं। वल आलिम, हाँ, आपके इल्म का दायरा कम है, जो मदरसे में पढ़ता है उसके इल्म का दायरा वसी है। वल आलिमून कुल्लुहुम हलका इल्लल आमिलून, और आलिम सारे के सारे हलाकत में हैं मगर वो के जो अपने इल्म पे अमल करते हैं। वल आमिलून कुल्लुहुम हलका इल्लल मुखलिसून, और सारे के सारे आलिम आमिल हलाकत में हैं मगर जिनका अमल इखलास पे मबनी हो। अगर कोई अमल करता है लेकिन दिखावे के लिए करता है, अगर मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ और इसलिए पढ़ रहा हूँ कि लोग ज़्यादा आएँ, लोग शिरकत करें, फ़ोटो बना के फेसबुक के ऊपर लोगों को दिखाऊँ कि मैं तो लोगों के लिए मजलिस पढ़ रहा हूँ, तो रियाकारी है या खुलूस है? रियाकारी हो जाएगी। इबादतों में
नमाज जमात कराने के लिए जाता हूँ तो दिल खुश हो जाता है कि मेरे पीछे तो हज़ार लोग नमाज जमात पढ़ने वाले हैं। हमारे एक आलिम के मुतालिक मशहूर है कि जब वो मस्जिद में दाखिल हुए, देखा मस्जिद खचाखच भरी हुई है, तिल धरने की जगह नहीं है, दिल में ख्याल आया मेरे पीछे आज हज़ारों लोग नमाज पढ़ेंगे, ये ख्याल पैदा होना था, फौरन वापस आ गया, कहा आज जमात कोई और कराए। ये है इखलास। वो आलिम कि जो अमल तो करता है लेकिन उसके अमल में इखलास नहीं है, वो बानी जो मजलिस तो मुनअक़िद कराता है लेकिन उसके अमल में इखलास नहीं है, पैगंबर ने फरमाया उसका ये अमल किसी काम का नहीं। और अगला जुमला सबसे बड़ा खतरनाक जुमला पैगंबर ने इरशाद फरमाया वल मुखलिसून कुल्लुहुम फी खतरिन अज़ीम, और मुखलिस सारे के सारे खतरे अजीम में हैं। मुखलिस को भी क्या है? खतरा है। किस चीज का खतरा है मुखलिस को? चोर डाकू का, शैतान का खतरा है उसे मुखलिस को कि कहीं रियाकारी का एटम बम ला के उसकी इबादत को बर्बाद ना कर दे। हाँ जी, इसलिए इखलास शर्त है। इस इन चार दिरहम में क्या था? खुलूस था। इसलिए इमाम अलैहिस्सलाम कमियत को नहीं देखते हैं, कैफियत को देखते हैं। हाँ? एक बंदा सारी रात अगर इबादत दिखावे के लिए कर रहा है तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन एक बंदा रात की तन्हाई में अगर दो रकअत नमाज पढ़ता है जिसमें कुर्बत भी है, इखलास भी है, अल्लाह की राह में गिरिया भी कर रहा है, इसकी ये दो रकअत नमाज उसकी हजार रकअत नमाज से अफजल हो अब्बर बेहतर है। इसलिए अहले बैत अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं उनमें पैगंबर अकरम और उनके औलाद अतहार ने बार बार ताकीद की है कि थोड़ा अमल जिसमें इखलास हो ये कई गुना बेहतर है उस ज़्यादा अमल से कि जिसमें इखलास की दौलत नहीं हो। नाराज़ तो नहीं हो गए? जो जो राज़ी हैं वो सलावात भेज दें। बारे दीगर सलावात भेज दें। चार दिरहम लिए शतीता के, एक रुमाल लिया अपने खादिम, तवज्जो कीजिएगा, जो कहते हैं ना खुम्स हो दो तो बरकत क्या होती है, मैं बरकत समझाने लगा हूं। खुम्स दो के तो क्या बरकत होगी, इससे बढ़ के कोई बरकत हो ही नहीं सकती। खादिम को बुलाया, कहा जाओ मेरा हुजरा खोलो, उसमें एक संदूक होगा, उस संदूक को खोलना, उसके अंदर मेरी बहन ने मुझ इमाम रिजा के लिए अपने हाथों से एक कफन तैयार किया है, उस कफन को लेके आओ। इमाम मूसा बिन जाफर ने अपने हाथों से उस कफन से एक टुकड़ा काटा और कहा ए अली बिन मोहम्मद, जाके शतीता को ये कफन को टुकड़ा देना। शतीता को जाके कफन का टुकड़ा देना, फिर अपने जेब से 40 दिरहम निकाले और कहना शतीता को कि ठीक तेरे जाने के बाद 16 दिन बाद जब तू पहुँचेगा ना निशापुर में, तो तेरे पहुँचने के ठीक 16 दिन बाद शतीता दुनिया से रुखसत हो जाएगी। और इन 16 दिनों का शतीता का खर्च मुझ मूसा बिन जाफर के ज़िम्मे है। 40 दिरहम दिए और कहना इतने दिरहम सदका दे देना, इतने दिरहम अपनी ज़ात के ऊपर लगाना, और शतीता को कहना कि जब तू दुनिया से रुखसत होगी तेरी वफात तो नेशापुर में होगी, मैं होऊंगा मदीना में, तेरे इस अमल में इतना इखलास है कि मैं मूसा बिन जाफर मदीना को छोड़ के नेशापुर एजाज इमामत से आऊँगा, खुद तेरी नमाज जनाजा पढ़ूँगा। यह है खुम्स की बरकत। मत बनाए इस चीज को कि ये मौलवी खा जाते हैं, तू उधर दे जहां तुझे इत्मीनान है, हम ये नहीं कहते, तू उधर दे जहां तेरी तसल्ली है, इधर तेरी तसल्ली नहीं है। आजकल कौन सी बात मुश्किल है, तू अपने मर्जे वक्त आयतुल्लाह सिस्तानी को नजफ भेज दे, लेकिन ये नहीं है कि यहाँ मौलाना नासिर खा जाता है लिहाजा मैं इनको नहीं देता हूँ, नहीं इधर देते तो आयतुल्लाह सिस्तानी तो ज़िंदा है ना, उनको तो दे,
खुम्स से कोई चाराकार नहीं है बचने का, कोई कहे कि मेरी तो बचत नहीं होती। आयतुल्ला सिस्तानी ने लिखा है हत्ता के फकीर पे भी खुम्स वाजिब है। परेशान हो गए, फकीर पे भी खुम्स कैसे? कहेंगे मौला उसके, मौलाना उसके पास तो कुछ बचत होती ही नहीं है, उसके ऊपर कैसे खुम्स वाजिब है? मैं बताता हूं कैसे उसके ऊपर खुम्स वाजिब है। वो जो साल गुजरता है तो उसके किचन में जो चीज बची हुई होती है, 1 किलो चीनी या 1 किलो आटा या 1 किलो दाल बची हुई है या आधा किलो बची हुई है या आध पा बची हुई है, इसकी बाजार में कोई कीमत है या नहीं? इसका खुम्स वाजिब है। मैं फकत फदक के चोरों पे रोऊं और खुद जब देने की बारी आए तो मैं खुम्स न निकालूं, फिर मुझे कोई हक नहीं है कि मैं फदक के चोरों पे लानत करूं। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले बैत में। फरमाया जो बंदा खुम्स अदा करता है अल्लाह उसके माल और रिज्क में बरकत डालता है, उसकी औलाद में तहारत आ जाती है, उसकी माल में तहारत आ जाती है। और जो बंदा हमारे माल में से 1 दिरहम, इमाम ज़माना फरमाते हैं हमारे माल में से 1 दिरहम खा के अपना शिकम भरेगा, अल्लाह की जात उसे कयामत के दिन आतिश जहन्नम की लगाम पहनाएगी। 1 दिरहम जो बंदा खाएगा। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले बैत इमाम की। तो बस खुलूस होना चाहिए। और इमाम रिजा शतीता की नमाज जनाजा पे गए, लिहाजा ये खुम्स की बरकत है। तो बता क्या रहा था कि तेरे और मेरे घरों में जो आज जादू टोना और ये शैतानी अमल किए जाते हैं, इनके तावीज तेरे और मेरे अपने पास मौजूद हैं। घर में कुरान की तिलावत कर, आयत कुर्सी का बाकायदा से विर्द कर, 4 कुल को अपने घर की जीनत बना के रख, अहले बैत का जिक्र कर, तकवा और परहेजगारी को इख्तियार कर, ये वो ऐसी चीजें हैं खुद ब खुद शैतान तेरे घर से भाग जाएगा। हाँ जी, हाँ कुछ ऐसे अज़कार मौजूद हैं जिनसे इंसान को इस्तेआनत और मदद लेनी चाहिए, लेकिन मेरा यकीन है कि आप ये जो दुनियावी लोगों के पास जाते हैं ना टूना मुना करने के लिए और उसके हल के लिए, ये उल्टा आपको अपने मसाइब में और दीगर मुश्किलात में गिरफ्तार करवाते हैं। क्यों? अगर वो आपको उसका हल दे देगा, आप दोबारा इसके पास नहीं आएंगे, दोबारा नहीं आएंगे, इसकी दुकान बंद हो जाएगी। ऐसी है या नहीं है? लेकिन एक दरबार है जिसमें अगर दोबारा ना भी जाएं तो उसकी दुकान बंद नहीं होती है, वो पीर अली की दुकान है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले बैत में। इसलिए मारिफत की मेराज बढ़ाएं, अपने आइम्मा को पहचानें, उन्होंने हर चीज़ का तुझे जिक्र दिया है, तुझे ये होगा तो इसका जिक्र ये पढ़ना है, तुझे वॉशरूम में जाना है तो इतना किसी ने क्या बताया है, जाते वक़्त दायां पाँव, निकलते वक़्त बायां पाँव, बारीक से बारीक चीज़ बता के ये बता दिया कि कायनात के हकीकी हादी हम अहले बैत हैं। एक शख्स आया इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास, कहा मौला मेरे कान में दर्द है और मैं ऊंचा सुनता हूँ, मैं नहीं सुनता, शायद मेरी मजलिस में भी बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हों कि जो ऊंचा सुनते हों, उनके लिए ये जिक्र तालीम दे रहा हूँ। ये वो अज़कार हैं जो इंसान को बदल देते हैं, ये वो कायम में अहले बैत अलैहिस्सलाम के अता करदा नुस्खे हैं जिनसे इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है, जिससे इंसान के रूह को तस्कीन मिलती है। कहा मौला के पास आके, कहा मौला मैं ऊँचा सुनता हूँ, कोई ज़िक्र तो तालीम दे दीजिए। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे ताज्जुब है तुम पे, तेरे पास जनाब सैयदा की तस्बीह मौजूद है और तू मुझसे कोई जिक्र मांगता है। अल्लाह अकबर, जनाब सैयदा की तस्बीह
और कान का इलाज कोई सवाल कर सकता है, कोई पूछ सकता है कि कान के दर्द और ऊंचा सुनने का क्या जनाब सैयदा की तस्बीह के साथ ताल्लुक है? नहीं, इस जिक्र में अल्लाह ने ऐसी बरकत रखी है, जो भी इस जिक्र के वसीले से तू अपने रब से मांगेगा और सैयदा को वसीला बनाएगा, ये वो वसीला है कि जिसके वसीला बनने से बाकी 13 भी तेरे साथ खड़े हो जाते हैं, रब से दुआ करते हैं। ये हमारा मानने वाला है, इसी ये मुश्किल है, पालने वाला मुश्किल को दूर कर देता है। और बात जनाब सैयदा की तस्बीह की चली है तो एक और करेक्शन भी करता चलूं। आप बहुत सारे लोग दूर दराज से आए हुए हैं, अपने अपने इलाकों में आपके मसाजिद भी हैं, नमाज जमात भी करते हैं। हमारे यहाँ क्या तरीक़ाकार है, जब नमाज ख़त्म होती है तो पीछे बैठने वाला बंदा क्या करता है, आयत सलावात पढ़ता है, या क्या पढ़ता है, आयत सलावात पढ़ता है ना, आयत सलावात पढ़ता है, और फिर सारे मिल के सलावात पढ़ते हैं, फिर मुसाफा करते हैं, और मुसाफा करने के बाद फिर तस्बीह पढ़ते हैं। एक सलावात भेज अच्छा पहले तो ये बात सुन लें, ये जो मुसाफा है ना, मुसाफा करने का बहुत अजर और सवाब है, लेकिन नमाज में इस जगह पे मुसाफा कहीं भी वारिद नहीं हुआ है कि आप नमाज के बाद पहले मुसाफा करें और फिर जनाब सैयदा की तस्बीह पढ़ें, ऐसा नहीं है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन सब्बह तस्बीह फातिमा फी दुबुरिल मक्तूबा, जो अपनी वाजिब नमाज के बाद जनाब सैयदा की तस्बीह पढ़ता है, कब, कब्ल अन युस्निया रिजलई है, अपने पाँव को फैलाने से पहले पहले जिस हालत में नमाज ख़त्म की है, कोई और जिक्र पढ़ने से पहले, मुसाफा करने से पहले, आयत सलावात पढ़ने से पहले, इस्तिखारा करने से पहले जो सैयदा की तस्बीह पढ़ता है, वजबत लहुल जन्ना, अभी इसकी तस्बीह ख़त्म नहीं होगी, जन्नत वाजिब हो जाएगी। बस नमाज ख़त्म होने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, जनाब सैयदा की तस्बीह पढ़ना है। आयतुल्लाह सिस्तानी ने ताकीबात के बाब में जहाँ ताकीबात लिखी हैं वहाँ ये लिखा है कि ताकीबात में सबसे अफजल ताकीब जनाब सैयदा की तस्बीह है। ताकीबात यानी नमाज के बाद जिक्र, दुआ और ये पढ़ना, उनमें सबसे अफजल तरीन जो जिक्र है, अफजल तरीन चीज़ जो ताकीबात में शुमार होती है, वो जनाब सैयदा की तस्बीह है। और इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब जनाब सैयदा अपने बाबा से एक खादिमा का सवाल करने गई थी और पैगम्बर इस्लाम ने तस्बीह इनायत कर दी थी, कहा अगर पैगम्बर के पास तस्बीह जहरा से अफजल कोई और चीज होती तो वो बतूल को अता करते। हाँ जी, जनाब सैयदा कि ये तस्बीह आपके पास मौजूद है, इसको अपने घर में जारी रखें। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लिमु औलादकुम तस्बीह फातिमत जहरा, अपनी औलाद को तस्बीह फातिमत जहरा तालीम दो। जब वो नमाज से फारिग हो जाते हैं, अपने बच्चों को कहो यूं ही ना उठ के चले जाएं, तस्बीह पढ़ो। कहा जैसे हम अपने बच्चों को तस्बीह की तालीम देते हैं, ऐसी ही नमाज के बाद तू अपने बच्चे को साथ बैठा, अपनी छोटी बच्ची को नमाज के लिए साथ बैठा और उसे कहे, मेरे बेटा मेरी बेटी, जो ही नमाज ख़त्म हो सबसे पहले तू ना काम तस्बीह करना है, तस्बीह जनाब सैयदा पढ़नी है। वहदउला शरीक की इज्जत की कसम, यही अमली और प्रैक्टिकल तरबियत है, ये क़यामत तक तेरे लिए सदका जारिया है। यही तो तरबियत है, और किस चीज का नाम है तरबियत। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद, अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। और तस्बीह में से सबसे अफजल जो तस्बीह है वो खाके शिफा की तस्बीह है। हाँ जी, खाके
शफा की तस्बीह है। खाक शफा की तस्बीह की खसूसियत यह है कि जो इंसान खाक शफा की तस्बीह को अपने हाथ में रखे, उसमें और प्लास्टिक की तस्बीह में फ़र्क ये है, उसमें और अकीक की तस्बीह में फ़र्क ये है, उसमें और फिरोज़े की तस्बीह में फ़र्क ये है कि फिरोज़े की तस्बीह को तुम पढ़ेगा तो सवाब मिलेगा, अकीक की तस्बीह को तुम पढ़ेगा तो सवाब मिलेगा, दूसरी प्लास्टिक की दीगर पत्थरों से बनी हुई तस्बीह को तुम पढ़ेगा तो सवाब मिलेगा। खाक शफा की तस्बीह को हाथ में पकड़ ले, दाने खुद तस्बीह करेंगे, तेरे नाम आमाल में सवाब दर्ज होगा। कुछ लोग अब भी नाराज हैं, इससे ज्यादा तो मैं फजाइल नहीं पढ़ सकता, सलावत भेज दे। ये वो चीजें हैं जो तुझे अमली मैदान में काम आएंगी और इन्हीं से मारिफत अहले बैत बढ़ती है। मारिफत अहले बैत की यही खजाने हैं, मारिफत अहले बैत अलैहिस्सलाम यहीं से बढ़ती है। जब इंसान को तस्बीह की मारिफत पता चल जाती है, जब इंसान को तस्बीह की हकीकत पता चल जाती है, तो फिर मुतवज्जे होता है उस जात की तरफ कि जिसकी तस्बीह में इतना अजर है, जिसकी तस्बीह की इतनी फजीलत है, अल्लाह जाने खातून जन्नत की क्या फजीलत होगी। अल्लाह अकबर। और जब तू खातून जन्नत की मारिफत की तरफ एक कदम बढ़ाएगा और तुझे खातून जन्नत की मारिफत हो जाएगी, फिर तुझे पता चलेगा कि जिसके साथ उसका अकद हुआ था, अल्लाह जाने वो कितनी फजीलतों का मालिक होगा। और जब तुझे अली इब्ने अबी तालिब की मारिफत हो जाएगी, फिर रसूल की मारिफत हो जाएगी, रसूल की मारिफत हो जाएगी, तू रब के दरवाजे पर पहुंच जाएगा। ये तसलसल है मारिफत का। बस जुड़ गए हम अपने मौजू के साथ या नहीं? इसलिए इनके मकामात को मैं ताकीद करता हूं कि समझो, इनकी बताई हुई चीजों को अमल करोगे, इनके बताए हुए छोटे छोटे नुस्खों पे अमल करोगे और इस यकीन और ईमान के साथ करोगे कि अल्लाह ने इसी के अंदर मेरा इलाज रखा है, इसी के अंदर मेरा ईमान होना चाहिए। गैब के ऊपर ईमान ये बहुत बड़ी कुव्वत है। ये गैब के ऊपर ईमान है ना कि अगर आप तस्बीह को इस नियत के साथ पढ़ें कि किसी के कान का मसला है और वो इस गैब के ऊपर ईमान रखता है कि इमाम जाफर सादिक ने ये तो बयान किया है कि जनाब सैयदा की तस्बीह इस मर्ज के लिए इलाज है, इस गैब की बात पर ईमान होना चाहिए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को आपने ये कहते हुए सुना है, देखा है इमाम अलैहिस्सलाम को कि इमाम कह रहे हैं? नहीं देखा है ना। बस ये रिवायत जो हम तक पहुंची है तो ये गैब हो गया, ये गैब हो गया, हमने देखा नहीं। इस गैब पे ईमान रखना ये मारिफत की एक सीढ़ी है, ये मारिफत की एक सीढ़ी है। छोटे छोटे अमल उन्होंने ऐसे बताए कि जिससे पता चलता है कि इंसान अहले बैत का कितना आरिफ है। एक आखिरी जुमला और मुसीबत की तरफ आ रहा हूं। पानी पिलाना अयाम अज़ा हैं, आप सबीलें लगाते हैं, वैसे अपने घर में आप सबीलें लगाते हैं, पानी देते हैं। घर में कोई भी खातून अपने शौहर को पानी पिलाती है, इसका बड़ा अजर है। जो रिवायत में मैं पढ़ रहा था, कुछ खवातीन का भी हिस्सा होना चाहिए ना, वो भी सुन रही हैं, और शाह साहब बता रहे थे खवातीन की तादाद मर्दों से ज़्यादा होती है। वो खातून जो 7 दिन अपने शौहर की घर में खिदमत करे, अल्लाह सुबहाना व तआला जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल देता है और जहन्नम के 7 दरवाजे उस पर बंद कर देता है। कितने दिन? कितने दिन? फकत 7 दिन खिदमत करे। शुक्र करो अपनी बीवियों की कि जो तुम्हारी इतने अरसे से खिदमत कर रही हैं। कभी वो खाना पका के आपके सामने लाई है तो कभी आपने उसका शुक्रिया अदा किया है? जी
कोई दीगर तो आपको दावत दे और आपको उसके शुक्रिया के लिए गिफ्ट लेके जाते हैं, कभी उसके लिए भी आपने शुक्रिया के लिए कोई चीज़ बाहर से लेके आ गए हैं कि तू जो 30-35 साल से मेरी खिदमत कर रही है और खाना बना के मुझे दे रही है, मेरे कपड़े भी धो रही है, मेरे बच्चों की भी तू तरबियत कर रही है, ये तेरे लिए गिफ्ट है। कभी किया ऐसे हमने? क्यों नहीं किया? आखिर वो भी तो एक दर्द और अपना दिल रखती है या नहीं रखती है? हाँ, हुकूक है उसके, हुकूक तो दूर की बात है ना, वो तो वाजिब है। मैं ये अलग चीज़, वो उसके ऊपर कोई चीज़ वाजिब नहीं है ये कि तेरे घर में काम काज करे, नहीं वाजिब। शौहर की वाजिब नहीं है, हमारी तो बेचारी देवर के भी कपड़े धो रही होती हैं, ससुर के भी धो रही होती हैं, कोई वाजिब नहीं है खातून के ऊपर शौहर के कपड़े धोना, उस पर वाजिब नहीं है। हत्ता के शरीयत के अंदर ये बात है कि अगर तेरी बीवी तेरे बच्चे को दूध पिलाए तो इस दूध की उजरत भी वो लेना चाहे तो ले सकती है, ले सकती है या नहीं ले सकती है? लेकिन वो लेती है नहीं लेती है? वो माँ बन के अपने बच्चे को दूध पिलाती है, लेकिन तेरा ये हक बनता है कि कभी तू भी उसके लिए खिदमत कर। एक दफ़ा रसूल इस्लाम घर में दाखिल हुए, जनाब सैयदा खाना पका रही थी और देगचा जो है वो चूल्हे के ऊपर था, अमीरुल मोमिनीन दाल साफ कर रहे थे, मुआमिनत कर रहे थे। जब अली इस काम को ऐब नहीं समझता है तो तू और मैं क्यों ऐब समझते हैं? अमीरुल मोमिनीन ऐब नहीं समझते हैं तो मुझे भी ऐब नहीं समझता। रसूल इस्लाम आए, रसूल इस्लाम ने कहा कि जो शख्स, सुनिएगा इस जुमले को, जो शख्स, बहुत तवील रिवायत है, मैं फ़कत एक जुमला अर्ज़ करूँगा, जो शख्स घर में अपनी बीवी की मदद करता है काम काज में, मस्जिदुल हराम में 2 महीने एतिकाफ़ बैठने से ये अमल अफजल है। मस्जिदुल हराम में जहाँ एक नमाज हज में पढ़ने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, 4-5 घंटे पहले जाना पड़ता है एक नमाज लेने के लिए, और जो बंदा 2 महीने वहाँ बैठे और फिर एतिकाफ भी करे, तो अल्लाह ने तुझे यही खिदमत तेरे घर में दे दी है, बीवी के घर के काम काज में मदद कर, तुझे मक्का जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं एतिकाफ का सवाब ले बैठेगा। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले बेत मोहम्मद के। बस आज़ादाना ने मज़लूम करबला रोक रहा हूँ गुफ्तगू को, आज 5 मुहर्रम है। सुबह एक रिवायत पढ़ रहा था नमाज फजर के बाद, अमीरुल मोमिनीन ने रसूल इस्लाम को कहा, या रसूल अल्लाह अतुहिब्बु अकीलन, क्या आप अकील से मोहब्बत करते हैं मेरे भाई से? कहा हाँ, इन्नी उहिब्बुहु हुब्बैन, मैं अकील से 2 मोहब्बतें करता हूँ, हुब्बन लहू व हुब्बन ले अबी तालिब, एक मोहब्बत तो इसलिए करता हूँ कि ये ख़ुद अकील है, अकील होने की वजह से इससे मोहब्बत करता हूँ, और दूसरी मोहब्बत इसलिए करता हूँ कि इसकी रगों में अबू तालिब का खून है, अबू तालिब मेरा मोहसिन है, इस्लाम का मोहसिन है, इस वजह से मैं अकील से मोहब्बत करता हूँ। और फिर ये जुमला जो रोला देने वाला जुमला है, फरमाया इन वलदहू मक्तूलुन फी मोहब्बत वलदिका, अकील का बेटा तेरे बेटे हुसैन की नुसरत में मारा जाएगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। कितना अरसा पहले मुस्लिम की शहादत की खबर दे गए, तूने हाय कर दी ना, मैं तुम्हें जुमला सुना दूं कि तेरी कीमत क्या है। रसूल इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले बताया कि जब मुस्लिम की शहादत पढ़ी जाएगी ना, फतदमा अलैहि उयूनुल मोमिनीन, मुस्लिम की 1400 साल पहले शहादत होगी, लेकिन 1400 साल बाद भी जब शहादत पढ़ी जाएगी, मोमिनीन की आंखें मुस्लिम के गम को याद करके बरसेंगी।
وتصلي عليه الملائكه مسلم پہ ملائکہ درود و سلام بھیجیں گے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد رسول اسلام مسلم کی مصیبت کو یاد کر کے اتنا روئے اتنا روئے، روایت کہتی ہے رسول اسلام کے سینے پہ آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے اور کہا جب میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا نا، میں اپنے رب سے یہ شکوہ کروں گا کہ اللہ جانے میری عطرت کے ساتھ یہ سلوک کیوں روا رکھا گیا، میں یہ شکوہ کروں گا۔ ساری تمہید میں نے چھوڑ دی ہے عزادارو۔ جناب مسلم ابن عقیل کوفہ آئے، بیعت ہو گئی، 18,000 بیعت جب کر چکے، جناب مسلم نے خط لکھ دیا غریب کربلا کو، کوفہ کا ماحول آپ کے حق میں ہے، تشریف لائیے۔ خط ملنا تھا، غریب کربلا نے مکہ چھوڑا اور کربلا کی طرف چل پڑے، لیکن یزید ملعون نے ابن زیاد کو بصرہ سے بلایا اور کوفہ کے حالات کو اپنے کنٹرول میں لیا۔ ایک وقت تھا کہ جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ 18,000 نے بیعت کی، لیکن ایک وقت ایسا آیا، اللہ کی قسم، نماز عشاء کے بعد جب مسلم فارغ ہوئے نا، دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا پیچھے بھی مڑ کے دیکھا، کوئی ایسا نہیں تھا جو مسلم کو کوفہ کی گلیوں کا رستہ بتائے۔ اجرکم اللہ، اندھیری رات آہستہ آہستہ شروع ہونا ہوئی، جناب مسلم کوفہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں۔ تمہید کے چند جملے میں مصائب پہ آ گیا۔ ایک بند گلی میں آئے، دیکھا ایک مستور ہے جو اپنے بیٹے کے انتظار میں کھڑی ہے۔ مسلم قریب آئے اور کہا مجھے دو گھونٹ پانی مل سکتے ہیں؟ عزاداران مظلوم کربلا، آؤ نا ذرا اس خاندان پہ گریہ کرو اور یہ مصیبت یاد کرو، اس خاندان نے دشمن سے اگر مانگا ہے تو سوائے پانی کے کچھ اور چیز نہیں مانگی ہے۔ کہا دو گھونٹ پانی کے مل سکتے ہیں، تو اندر گئی، جام پانی کا لے کے آئی۔ جناب مسلم ابن عقیل نے اپنی زندگی کا آخری پانی تناول کیا، پانی پینے کے بعد جام توہ کے حوالے کیا اور خود دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ توہ جب واپس آئی نا، توہ نے کہا جوان تو میرے دروازے پہ بیٹھ گیا ہے۔ کہا اے جوان، کوفہ کے حالات سازگار نہیں ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، تو جوان ہے تو اپنے گھر چلا جا۔ گھر کا نام آنا تھا، مسلم نے اپنی تلوار کا سہارا لے کے اٹھنا چاہا، کہا اے کنیز خدا، جس کا پردے دیس میں کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے، وہ کدھر جائے جس کا پردیس میں کوئی سہارا نہ ہو۔ یہ سننا تھا تو تڑپ گئی، کہا تو کون ہے، کدھر سے آیا ہے؟ کہا میں مدینہ سے ہوں۔ کہا مدینہ کہاں سے؟ کہا محلے بنی ہاشم سے، محلے بنی ہاشم کا نام آنا تھا۔ تو نے کہا جلدی کر، دیر نہ لگا، بتا تو کون ہے، تو حسین کا سفیر مسلم تو نہیں؟ کہاں ہے کنیز خدا؟ اجرکم اللہ، میں مسلم ہوں۔ بڑی عزت و احترام کے ساتھ اندر لے کے آئی، بستر بچھایا، لیکن عبادت کا شوقین گھرانہ جانتے تھے مسلم کا میری آخری رات ہے، کہاں عبادت، جناب مسلم نے سونا تھا، ساری رات عبادت میں مصروف رہے۔ نماز فجر کا جو وقت قریب آیا نا، تو آ پانی کا پھر جام لے کے آئی کہ تجدید وضو کر سکیں۔ جب آئی نا تو آ علی مسلم ابن عقیل گریہ کر رہے تھے، کہا میرے آقا رونے کا سبب پوچھ سکتی ہوں؟ کہا تھوڑی دیر پہلے نماز فجر کے قریب میری آنکھ لگ گئی، میں نے علی ابن ابی طالب کو خواب میں دیکھا، بال بکھرے ہوئے ہیں، رو رو کے کہہ رہے ہیں او میرے لال مسلم، او میرے لخت جگر مسلم، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، العجل العجل
المسلم جلدی کیجئے۔ عزادارانِ مسلم کربلا کا پہلا شہید ہے۔ ادھر سے نماز مسلم کی ختم ہوئی، دشمن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز مسلم کے کانوں میں پڑی۔ مسلم نے تیزی سے کمر باندھا، اپنی چیزیں سنبھالنی اور نکلنے کا ارادہ کیا۔ سلام ہو تیری غیرت پہ مسلم۔ جب توہ نے روکنا چاہا نا کہ میرے آقا رک جائیے، آپ اکیلے ہیں، وہ ہزاروں میں ہیں، آپ کو مار دیں گے، مسلم کا غیرت مندانہ جواب سنوں گے۔ کہا میں برداشت نہیں کر سکتا، ایک مزدور کے گھر میں بدماش آ جائیں۔ آ نظر کوفہ کی طرف رخ کر کے مسلم کو سلام کر، مسلم تو یہ برداشت نہیں کر سکتا، کاش تو شام غریبہ کو ہوتا۔ اجرکم اللہ، کاش تو شام غریباں کو ہوتا۔ عزاداران مظلوم کربلا ایک منزل اور بڑھاؤ۔ جناب مسلم ابن عقیل کو جب گرفتار کر کے لے کے آ رہے تھے نا، دھوکے سے گرفتار کیا گیا۔ جناب مسلم ابن عقیل کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ایک کمینے نے دیکھا تو کہا مسلم جو ایسا کام کرتے ہیں وہ روتے نہیں ہیں، تو تو بڑا شجاع ہے، موت سے ڈر گیا ہے۔ مسلم ابن عقیل نے کہا کمینے میں موت سے نہیں ڈر گیا، میں تو یہ سوچ کے رو رہا ہوں میں نے جس غریب کو خط لکھا ہے وہ اکیلے نہیں آ رہا، وہ بہنوں کو بھی ساتھ لے کے آ رہا ہے۔ کوفہ کا ماحول بدل چکا۔ اجرکم اللہ، عزاداران مظلوم کربلا، جناب مسلم کو رونے والو، جناب مسلم باب الحوائج ہیں، مسلم کے ساتھ توسل کیجئے، آپ کی حاجتیں یقیناً پوری ہوں گی۔ دار الامارہ کے چھت پہ لائے گیا، مسلم کے سر کے اوپر وار چلا، سر کٹا، دھڑ تو اوپر رہ گیا، سر نیچے گر گیا۔ عزادارو یہ ایک منظر کوفہ کا تھا، ایک منظر اس منزل پہ بنا جہاں پہ دو اسدی جوانوں نے مولا حسین کو خبر دی تھی کہ جب میں نکلا کوفہ کا منظر یہ تھا، مسلم اور ہانی کے پاؤں میں رسیاں تھیں، کوفہ کے گلی کوچوں میں دونوں کے لاشوں کو پھرایا جا رہا تھا۔ انا للہ۔ مصیبت کا جملہ سنیے گا، میرے آقا آ گئے اس خیمے میں جہاں مسلم کی چھوٹی بچی عاتقہ بیٹھی تھی۔ عاتقہ کو پاس بلایا، اپنے زانوں پہ بٹھایا، سر پہ دست شفقت پھیرا، رخسار چومے، بچی سمجھ گئی خاندان عصمت و طہارت کی بچی تھی۔ کہا منان مامو جان، محبت تو آپ ہمیشہ ہی کرتے ہیں، شفقت تو آپ ہمیشہ ہی کرتے ہیں، لیکن آج شفقت کا انداز ایسا ہے جیسے یتیموں کے ساتھ شفقت کی جاتی ہے، او میرے بابا کو خیر تو ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عاتقہ آج کے بعد میں تیرا بابا ہوں۔ اپنی بہن زینب کو کہا بہن زینب فلاں منزل پہ میں نے در خریدے تھے، وہ ذرا در لا کے دو نا، میں عاتقہ کو در پہناؤں۔ در آئے، عاتقہ کو در پہنائے، اب ایک کونے میں 4 سالہ بچی کھڑی یہ منظر دیکھ رہی ہے، جس کا بابا مارا جائے اسے در پہنائے جاتے ہیں، اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے، اس کے رخسار چوم میں جاتے ہیں۔ وحدہ اولا شریک کی عزت کی قسم، جو اب بھی نہ روئے گا اس کی اپنی قسمت ہے۔ یہی سوچ کے عصر عاشور کو سکینہ مقتل کی طرف گئی تھی، وہ کوئی ایسا اجر رسالت ملا، بردر چینے گئے، تماچے لگے، او میرے بابا میں تو کچھ اور سمجھ کے آئی تھی۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، ختم ہو گئی مسلم کی شہادت۔ آخری جملہ اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیجئے۔ عزادارو یہ کربلا کا صبر سے جملہ سن لیجئے گا۔ لٹا ہوا یہ قافلہ جب 1 مہینے کے بعد ابن زیاد کے دربار میں پہنچا نا،
तो हाशमी जवानों में से एक ही जवान बचा था। बीमार करबला हाथ बंधे हुए थे, गर्दन झुकी हुई थी। इब्ने ज़ियाद ने पूछा ये कौन है? कहा ये हाशमी जवान है। कहा मैं नहीं मानता ये हाशमी जवान है, ठीक एक महीना पहले मेरे इसी दरबार में एक हाशमी जवान आया था, उसका सर फख्र से बुलंद था। ये कैसा हाशमी जवान है जिसका सर झुका हुआ है? मातम के लिए जुमला काफी है। बीमार करबला ने सर उठाया, कहा कमीने जरा इंसाफ तो कर, उस हाशमी जवान के साथ नंगे सर फुफियां नहीं थी, आ जरा मेरे काफले में निगाह कर, ओ ज़ैनब जैसी पुपी मेरे काफले में नंगे सर है, ओ मैं कैसे सर उठा के चलूं।